हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग अमन अरोरा टॉक्स। आज की वीडियो एक ऐसी कंट्री के बारे में खुशखबरी देने वाली है जिसके बारे में आप जो है बहुत दिनों से सुनना चाहते थे, दिनों से नहीं बहुत महीनों से भी आप सुनना चाहते थे। जी हां, आज की न्यूज़ है कनाडा VFS ओपन होने के बारे में, जो कि इंडिया में ओपन हो चुके हैं। आज 20 नवंबर 2020 से जो है वो रनिंग में आ चुके हैं दोबारा से VFS, और उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज़ का एक टाइम फिक्स कर दिया है, मॉर्निंग 9 से शाम के 4:30 बजे तक VFS ओपन होंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी गई हैं, उन कंडीशन को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपको BIL नंबर यानी कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का एक जो नंबर है अगर आपको मिला हुआ है, लाइक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर अगर आपको आया हुआ है और उसके बाद आपको एक स्पेसिफिकली एक मेल आती है कि जी हाँ आप अब अपने बायोमेट्रिक के बारे में आप जो है अब अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं VFS से, तो डेफिनेटली वो आप बुकिंग जो है VFS के वेब फॉर्म फिल करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए। BIL बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर को कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो पहले उनको मैं ये बताना चाहता हूं। और सेकंडली, अभी जो रिसेंटली 20 नवंबर से यानी कि आज से, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज से क्या स्टार्ट हुआ है, आज से फैमिली क्लासेस जो हैं, फैमिली क्लास लाइक स्पाउस डिपेंडेंट क्लास, फैमिली क्लास के जो चाइल्ड को किसी ने लेके जाना है बाहर परमानेंटली, और स्पाउस डिपेंडेंट में अगर कोई फाइल लगी हुई है तो सबसे पहले फैमिली क्लास को जो है प्रायोरिटी दी गई है। तो 2 दिसंबर से पहले पहले आप फैमिली क्लास के लिए ही सिर्फ अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकोगे। लेकिन जैसे 2 दिसंबर 12 बजे के बाद जो है आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं, और अपने बायोमेट्रिक जो बच्चे पहले से वेट कर रहे हैं, जिनकी AIP आ चुकी हैं, जिनके फाइल जो है अभी एम्बेसी में स्टिल अंडर प्रोसेस में हैं, अगर वो बायोमेट्रिक अपने बुक करना चाहते हैं तो लिमिटेड शेड्यूल अपॉइंटमेंट जो है आपको मिलेंगी। कोई बहुत ज़्यादा रश वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही लिमिटेड स्टेज पे उन्होंने जो है बायोमेट्रिक सेंटर ओपन किए हैं, जो कि हमारे पंजाब में खासकर चंडीगढ़ और जलंधर में आपको दोनों जगह आप अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं अपने बायोमेट्रिक जो है फिक्स करने के लिए। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बायोमेट्रिक सेंटर कनाडा के ओपन हो चुके हैं। जिन्होंने भी अब अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा जाके जो पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कनाडा को अभी कंसीडर कर सकते हैं। मई इनटेक ओपन हो चुका है, अगर आपने मई इनटेक में अपनी एडमिशन करवानी है, स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बायोमेट्रिक के बारे में भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए, स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर दिया हुआ है, आप डेफिनेटली उस नंबर पर कॉल करके अपने बारे में और डिटेल ले सकते हैं। तो जिन्होंने अमन अरोड़ा टॉक्स के इस चैनल को यानी कि मेरे इस चैनल को यानी कि आपके इस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको और रियल अपडेट, जेन्युइन अपडेट, कोई र्यूमर्स नहीं, कोई फालतू की फेक न्यूज़ नहीं, जो बिल्कुल एक्यूरेट, जो एक रियल न्यूज़ होगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी इस चैनल पर। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा, और खुशखबरी आप सबके लिए है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आपके मन में कि क्या क्या बायोमेट्रिक के बारे में, बाकी कैसे बुकिंग करनी है, कैसे वेब फॉर्म फिल करना है, कैसे BIL नंबर को चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आप होशियारपुर में मेरा ऑफिस है, यहाँ पे आप visa9.com मेरी कंपनी का नाम है, वहाँ पे विजिट करके आप पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, इवन VFS के नंबर पे भी आप कॉल करके डायरेक्टली इंक्वायरी ले सकते हैं। सबसे बेटर चीज़ है आपकी जो ईमेल आईडी आपकी VFS में पहले से सबमिटेड है, या IRCC की वेबसाइट पे आपकी जो पहले ईमेल आईडी जो सबमिटेड है उस पे आपको इंस्ट्रक्शन मेल भी आ चुकी होगी जिन्होंने अपना स्टडी परमिट अप्लाई पहले से किया हुआ है। सो कोई भी और जानकारी लेनी है आप डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।